बिना पानी के गीजर चालू ना करें। गीजर का स्विच ऑन करने से पहले पानी को खोले। ज़्यादा गर्म पानी करने के लिए पानी का फ्लो कम करें, यानी कि ज़्यादा अगर पानी दीजिएगा तो इसमें स्टोरेज तो ज़्यादा है नहीं, क्या कि प्रेशर जो आएगा पानी का कम आएगा, तो अभी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक गीजर आया है जो कि इंस्टेंट गीजर है, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, कैसे इसको लगाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत होगा। ये हमको 963 रुपये का पड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसा गीजर निकलता है। ये इंस्टेंट गीजर है, छोटा वाला है, जो कि तुरंत पानी गर्म करके देगा। सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता, काफ़ी अच्छा है ये। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूले। तो चलिए इसको हमने खोल दिया, लेकिन उल्टा खुल गया। खैर कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये रहा मेरा इंस्टेंट गीजर, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, सारा चीज का कैसे इंस्टॉल करना है वो भी डायरेक्शन बता देंगे, ठीक है। चलिए हम इसको खोल के निकालते हैं, इसको पैक कर देते हैं पीछे से। मात्र 1000 रुपया टोटल खर्च आएगा। तो ये रहा, इसके साथ पाइप मिल जाता है। ये आ जाता है मेरा गीजर, इसमें कुछ था वो गिर गया, इसको उठा लेते हैं नल का। और ये चीज़ है, ये यहाँ पर दो इंडिकेटर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम और देख लीजिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मिल जाता है दो स्क्रू, ये हुक मिल जाता है फंसाने के लिए, ये मिल जाता है नल में लगाने के लिए, ठीक है। और एक ये भी चीज़ है जो कि मिलता है इसमें यूज करने के लिए, ठीक है, जब हमको इससे पानी लेना होगा। ये कुछ मैनुअल कार्ड वारंटी कार्ड है, इसका 1 ईयर का गारंटी भी है, बट इसका सर्विस सेंटर कहाँ है पता नहीं, तो देखते हैं कहीं टोल फ्री नंबर, तो उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। बिना पानी के गीजर चालू ना करें। गीजर का स्विच ऑन करने से पहले पानी को खोलें। ज़्यादा गर्म पानी करने के लिए पानी का फ्लो कम करें, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे यूज करना है वो भी वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा हम क्लियर चीज कर देते हैं ताकि कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। एक इंस्टेंट गीजर है जिसमें ज़्यादा पानी स्टॉक नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम 1 लीटर हमारे समझ से लग रहा है होगा, क्योंकि छोटा सा ही है, 1 लीटर या 0.5 लीटर होगा। तो चलिए इसको हम नल के सामने फिटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर करना क्या काम है, देखिए यहाँ पर नल लगा हुआ है, तो नल के जरिए हम यहाँ पर इंस्टेंट गीजर को फिट करते हैं पहले। तो उसको करने के लिए आपको साथ में ही मिलता है, तो हमको यहाँ पे मार्क कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, थोड़ा पाइप का डबल भी है, मतलब जगह के हिसाब से अपना एडजस्टिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इतना पर कर लेते हैं ताकि मेरा ये प्रॉपर बैठ जाएगा। यहाँ पे ड्रिल करना होगा, क्या कि बिना ड्रिल का नहीं होगा, ये कांटे का भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको ड्रिल कर लेना है, एक यहाँ पे होल कर लेना, तो ये होल हो गया। इसके साथ हमको दो गुज्जी मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हमको इसमें लगा लेना है, ठीक है। नल इसको ऐसे फिट कर देना है, ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ये बैठ आएगा।
तो यहाँ पे लग गया है, ये जो लगाइएगा बेसिन के सामने लगाइएगा, ठीक है। आपको हम दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं, ये कभी भी बेसिन के सामने लगाइएगा ताकि पानी जो भी उसमें जाएगा। तो गीज़र मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो सबसे पहला चीज़ इसमें सप्लाई देने से पहले इससे पानी गिरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एलिमेंट फट जाएगा या कट कर जाएगा, ठीक है। और इनके से ये कभी बंद हो जाता है, दोनों लाइट अगर बंद हो जाता है तो उसके बारे में भी बताएंगे, जो कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पाइप हमने लगाया है इसको हमको ऐसे लगा देना होगा, इसमें तो ये पाइप को कनेक्ट करना पड़ता है जैसे ऐसे। यहाँ पे इनपुट पॉइंट हो गया, ये पानी का इनपुट, दोनों इनपुट ही है, बट ये नल में जाएगा, वो डायरेक्ट उसमें जाएगा, हो गया है, ठीक है। उसको अच्छा से बैठाना पड़ेगा, गीजर में पानी लोड हो गया है, पानी लोड होने के बाद ही पानी आउट करता है, ठीक है। जब तक पानी आउट ना करे गीजर में लाइन नहीं देना है, गीजर में अगर लाइन दे दीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए पानी इसमें आ गया, आप जैसे ही लाइन देंगे वैसे ही पूरा गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो झरना वाला पॉइंट दिया हुआ है तो उसको आराम से ऐसे ही लगाएंगे ताकि पानी बहुत अच्छा से फुहड़ आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लाइन देते हैं, तो हमने इसको सप्लाई दे दिया है, ठीक है। तो जैसे इसको चालू करेंगे इसमें पानी स्टॉक हो चुका है, जो भी स्टोरेज है कुछ ना कुछ स्टोरेज रहता ही है, क्या कि पूरा अगर स्टोरेज नहीं रहेगा तो हम जैसे ही लाएंगे देंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा, तो ट्रिप नहीं कराना है हमको। तो चलिए इसको हम सप्लाई दें। तो यहाँ पे लाइन आ चुका है, बट एक ही इंडिकेटर दिए हुए हैं, पानी जैसे ही गर्म होगा, तो पानी गर्म आना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको हम दिखा दें, फिल कराना काफ़ी मुश्किल है, बट दो मिनट रुक जाइए, वाफ निकलेगा इससे। तो इसी प्रकार आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो नॉर्मल हम 3 लीटर का गीजर खरीदते हैं उसे काफ़ी अच्छा ये है, सिस्टम से लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाफ निकल रहा है, गर्म गर्म पानी आ रहा है, और हीट आएगा, काफ़ी हीट होता है इसमें, 3 KV का है सबसे बड़ा बात, क्या है कि नॉर्मल जो हम इंस्टेंट गीजर लेते हैं वो भी 3 KV का ही होता है, बट ये थोड़ा गलत जगह इंस्टॉल हो गया, हमने वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे किए हैं, क्या है कि वहाँ पे हमको करना चाहिए था कि प्रॉपर सामने रहता, अब जो भी पानी इसका बेसिंग में आता, ठीक है। तो देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, हाथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो पानी काफ़ी हीट है, जो कि हम बस देख लीजिए वाफ कितना निकल रहा है, गीजर लगा रहे हैं तो जो मोटा वाला पिन है आप प्लीज़ अर्थिंग उसमें ज़रूर दीजिएगा, क्या कि अर्थिंग इसमें मोस्ट ज़रूरत होता है, ज़्यादा गर्म पानी अगर चाहिए आपको तो उसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा गर्म पानी के लिए आपको करना क्या होगा, पानी का फ्लो कम करना होगा, पानी का फ्लो ज़्यादा रहेगा पानी पूरा गर्म नहीं हो पाएगा। अभी देख लेते हैं कट करता है कि नहीं करता, तो ये अभी तक कट नहीं किया, देखते हैं इसमें कटिंग का सिस्टम है कि ना, ऑटोकट, पानी काफ़ी उबल रहा है, इसमें हाई टेम्परेचर 75 डिग्री तक होना चाहिए, देखिए कट कर गया। इसमें 2 इंडिकेटर, जब पानी गर्म हो रहा होगा उस पीरियड में केवल रेड जलेगा, जब पानी पूरा गर्म हो जाएगा तो ग्रीन जल जाएगा, तो सामने देखिए ग्रीन वाला बल्ब जल चुका है, तो इससे क्या होता है पानी पूरा गर्म हो चुका है, अभी इतना पानी गर्म हो चुका है कि आप हाथ नहीं दे सकते, काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यही तरीका इसका इंस्टॉल करने का जो कि हम पूरा बता दिए हैं, वीडियो को आगे शेयर कीजिए जो इंस्टेंट गीजर लेना चाहते हैं, देख लीजिए एक बार और।